इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जयप्रकाश जयपी, जिनका नाम आदमपुर उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर चल रहा था, उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया है। इसके पीछे का कारण तो नहीं बताया, लेकिन हम आपको उनकी वीडियो बता दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। मतलब आदमपुर में खूब दिखाई देंगे, हो सकता है चुनाव लड़ना पड़ जाए। नहीं, देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब भी आदमपुर में दिखाई दूंगा। जेपी खुद कह रहा है कि मैं आदमपुर में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन प्रचार जरूर करूंगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुलदीप बिनोई के टक्कर देने वाला जो उम्मीदवार जेपी था, उसने अब चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसका पीछे का क्या कारण हो सकता है वो तो अभी पता नहीं है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना क्यों किया है, लेकिन इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ऐसे उम्मीदवार की तलाश करेगी जो कुलदीप बिनोई को टक्कर दे सके। हालांकि संपत सिंह का नाम भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया है। तो यह बात एक साफ है कि कुलदीप बिश्नोई से पहले ही लोग डरने लगे हैं चुनाव में खड़ा होने से, और हार का अंदेशा उन्हें होने लगा है। लेकिन अब आगे क्या होता है, इसमें हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको हर खबर देते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई को टक्कर कौन सा उम्मीदवार दे सकता है।